हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बादल उप्रेति। गाइस, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और गाइस, ये हर एथलीट की या फिर जिसको वेट लूज करना है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब भी हम डाइट प्लान करते हैं या फिर डाइट चार्ट हम बना के देते हैं किसी भी क्लाइंट को या किसी भी अपने स्टूडेंट को, तो उनके सामने एक मजबूरी हमेशा होती है। वो कहते हैं, सर मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ लेकिन चिकन को उबाल के खाना है। कैसे खाना है सर चिकन को उबाल के? या सर प्रोटीन के सोर्सेस ऐसे क्या हैं? हम जब बात करते हैं गाइस कार्ब्स की, तो कार्ब्स में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हम इजीली ले सकते हैं या फिर हमें इजी क्या होता है, हम उसको खा सकते हैं, मतलब टेस्टी होता है। अब टेस्टलेस खाना खाना अगर वेट लूज करना है या बॉडी बनानी है या जिम जाने वाले बंदे जो भी है, सबके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर कैसे चिकन को खाएं? सर अगर उसको उसमें ग्रेवी वगैरह डाल के खा ले तो कैसे रहे, अच्छा रहेगा? तो गाइस, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चिकन को बना सकते हो या कैसे ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मालूम ही नहीं होगा आपने कितना प्रोटीन इंटेक कर लिया है और आप इजी चिकन को खा सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से उसको बना सकते हो। मैं दो तीन ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, इवन वेजिटेरियन वाले को भी ऑप्शंस दूंगा कि कैसे वेजिटेरियन वाला भी उसको, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप कैसे आप प्रोटीन के सोर्सेस आप ले सकते हो। लेकिन गाइस फिर से वही बात बोलूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, इसमें एक लाइक बटन होगा, बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने जो है अपना जो है डाइट प्लान तैयार करना है या जो भी मैं आपको बता रहा हूं कि चिकन का ऑप्शन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप किस तरीके से प्रोटीन के सोर्सेस आप ले सकते हो और कैसे आप जो है प्रोटीन किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपने बनाना है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया चाप, अपने नाम सुना होगा, सोया चाप लेके आइए, उसको सेम रेसिपी से आपने बनाना है क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें इंडियंस को क्या है टेस्ट भी साथ में चाहिए, प्रोटीन के साथ हमें टेस्ट भी चाहिए। शायद इसी के लिए हमको बोला जाता है, फिरंगी हमें बोलते हैं ब्लडी करीटर, इंडियन ब्लडी करीटर, तो हमको क्या चाहिए सर, टेस्ट भी चाहिए साथ में। तो हम अपने सैंडविच कैसे बनाएं, अब स्पेशली ऑफिस वालों के लिए मैं बता दूं, ऑफिस वाले कहते हैं सर मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूं और रात को 8 बजे आता हूं, मैं बीच में कैसा करूं, ऑफिस में तो ऑप्शंस है नहीं। तो आप इसको ऑफिस में भी कैरी करके लेके जा सकते हो, दो सैंडविच तीन सैंडविच, आप जितना आप ओवन में, वहां पर ओवन सिस्टम होगा, ओवन में नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। मैं खुद जब बाहर जाता हूं प्लान करता हूं तो यही ऑप्शंस मेरे पास होता है, मैं दो तीन सैंडविच अपने जो है चिकन के जो है रख लेता हूं और बाहर जाके जब भी मेरे को डाइट भूख लगती है तो मैं जूस के साथ या फिर अपना प्रोटीन शेक के साथ इसको ले लेता हूं। तो गाइस ये मेरा ये टोटली मैंने सामान अभी इस तरीके से मैंने देखे चिकन अभी उबाला है, ये चिकन को आपने सिंपली पानी डाल के पहले जो है कुकर में इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको आपने क्या करना है, पानी इसका फेंक देना है, ये आपका पूरा चिकन इसमें से फैट परसेंटेज जो था बिल्कुल बाहर चला गया। अब ये हो गया आपका चिकन, ये है आपका प्याज, ये है आपका टमाटर और ये है मेरा ब्राउन ब्रेड। मेरे को दो सैंडविच अभी बनाने हैं, दो सैंडविच मुझे खाने हैं, तो मेरा ये ब्राउन ब्रेड है और ये मेरा ये प्याज है मेरा, तो मैं पहले थोड़ा सा प्याज काट लेता हूं इसमें क्योंकि प्याज भी मेरे को तैयार करना है। तो गाइस ये मेरा प्याज तैयार हो चुका है, एक टमाटर आपने इसमें काटना है, एक टमाटर आपका और होना चाहिए इसमें। अब हमने जो है प्याज और टमाटर इन दोनों को, ओनियन एंड आपका जो है टमाटो, दोनों को हमने हल्का सा ऑयल में पहले सौते कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगा, मस्टर्ड ऑयल मैं यूज करता हूं, जनरली मस्टर्ड ऑयल मुझे ज्यादा पसंद है। अगर मैं बात करूं ऑलिव ऑयल की तो ऑलिव ऑयल से ज्यादा मेरे को मस्टर्ड ऑयल टेस्टी लगता है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा इसमें यूज करूंगा। दैट्स इट, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा इसमें, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगा। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपने अपनी रेसिपी को तैयार करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपने बॉइल्ड वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, बेल पेपर आपके लाइक मिक्स कर लेने, इसमें आपके सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, बीन्स वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद सेम रेसिपी से आपने बनाना है। अगर आप
वेजिटेरियन है तो आप सोया चाप भी बना सकते हो, सोया चाप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका प्रोटीन का सोर्सेस है, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था जैसे मैंने चिकन बनाया था, तो चिकन का आप देख सकते हो कितना अच्छा चिकन ये बना हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया चिकन बनाया। इसी तरीके से आप इसको वेजिटेरियन में भी बना सकते हो। अब आप कुछ इसमें कुछ कोई बड़ी बड़ा काम नहीं है, सिंपली आपने इसको जो है इसमें जब ग्रिलर में डाल रहे हो, इसमें डालने से पहले आपने इसमें क्या कर लेना है, इस चिकन को आपने इसमें जो है अपने ब्रेड पर रख लेना है। ये रख लेना इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा चिकन को क्या है थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, सो दैट ये इसमें जो है अच्छी तरीके से ये फिट हो जाए, इसकी हल्का सा जो है इसमें ज़्यादा वजन ज़्यादा इसमें जो है लोड ना आए सैंडविच मेकर में आके, और इस तरीके से इसको प्रेस कर लोगे तो ये क्या है थोड़ा सा दब जाएगा, दबने से क्या है आपका जो है इसमें ईजी जो है आप इसको प्रेस कर सकते हो। ये आपका हो गया। अब आपने इसको अभी छः इसमें एक चीज़ और है मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप जैसे इसके बाहर जा रहे हो, कभी बाहर जाना है आपको और आपको सैंडविच लेके जाना है, तो मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं गाइस। अगर आप बाहर जा रहे हो इसमें हल्का सा आपने क्या करना है, इसके अंदर देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी जो होता है देसी घी लगाना है, बाहर का घी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शुद्ध गाय का अगर देसी घी आप खाते हो 2 चम्मच डेली के, तो आपके कभी भी आपको जॉइंट्स की दिक्कत नहीं होगी, आर्थराइटिस पेन बैक पेन ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपका सैंडविच तैयार हो चुका है। अब आपने इसको जो है कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको प्रेस कर देना है, ये आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। अभी मैंने एक सैंडविच बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से आपका सैंडविच ये तैयार हो गया है, ये पूरा कवर है। अब आपने इसको क्या करना है, ये विद इन वन मिनट आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको सिल्वर फॉइल में लपेट के आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, आप इसको जूस के साथ ले सकते हो, आप इसको प्रोटीन शेक के साथ ले सकते हो, आप अगर कोई मिल्क लेने वाला है बंदा है तो मिल्क के साथ भी आप इसको ले सकते हो। ये बहुत अच्छी डाइट है आपकी और कंप्लीट प्रोटीन डाइट है। इसके अंदर कम से कम आप 100 ग्राम चिकन इसके अंदर भरा हुआ है, 100 ग्राम चिकन, तो गाइज अगर 2 सैंडविच आप ले रहे हो तो 200 ग्राम यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हो 50 ग्राम बॉडी के अंदर आपका जो है प्रोटीन चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो गाइस आज मैंने काफ़ी मेहनत की आपकी वीडियो बनाने के लिए, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे खाएं, वेजिटेरियन में क्या खाएं, या फिर नॉनवेज चिकन खाया नहीं जाता सर, उबला हुआ खाया नहीं जाता, उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन सही है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। और ऐसा ही नहीं, जो चिकन है अगर आप विद बोन्स भी चिकन लेते हो तो आप सेम रेसिपी से आप अपने काप्स जब लोड करते हो हल्के से राइस के साथ, उसके साथ भी इसको ऐड करके खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्टी होता है ये, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन खाली अगर उबला हुआ चिकन खाओगे तो खाया नहीं जाएगा आपको। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जाने से पहले कमेंट इसमें ज़रूर करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत की है और मेरी मेहनत को आपने उसको जो है सक्सेस करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।